हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं समीर, आपका दोस्त और होस्ट। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए न्यू टॉपिक्स लेके आते हैं हर टाइम, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स? कैसा है कि आज की डेट में जो है वो बिजनेस के अंदर, अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में होंगे डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट से मेरा बोलने का मतलब ये, जब भी आप किसी टेंडर में अप्लाई करते हो, क्लाइंट को काम करके देते हो, तो क्लाइंट हो सकता है बोले कि आपने वैसा काम नहीं किया जैसा तय हुआ था। हो सकता है क्लाइंट आपको पैसे ना दें, किसी बात पे डिस्प्यूट करें। अब ये जो सारे डिस्प्यूट्स है ये जाते हैं कोर्ट में, जो होता है सिविल कोर्ट, क्योंकि ये सिविल मैटर्स है। अब सिविल कोर्ट के अंदर जो है हमारे देश में न्याय तो मिलता है, लेकिन वक्त थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। अब बिजनेसेस इस वक्त के लिए रुक नहीं सकते, क्योंकि उनको पर डे के हिसाब से नुकसान हो सकता है। अगर उनका मशीनरी पड़ा है या कोई और इश्यूज है, लाखों करोड़ों रुपए का जहाँ पे सवाल है। तो जब दो बिजनेसमैन के बीच में डिस्प्यूट होता है और वो ये चाहते हैं कि उनके बीच में कोई सल्यूशन निकल आए, तो इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट इसका एक इलाज है। इलाज ऐसा है कि अगर ये दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें ये लिखते हैं कि ये दोनों मिलके किसी एक आदमी को या दोनों मिलके एक एक आदमी को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, जो इनका आर्बिट्रेटर होगा। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको आम आदमी की जबान में बोलो तो आप समझ सकते हो कि एक प्राइवेट जज। प्राइवेट जज इसलिए कि ये जो दोनों लोग हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है, ये खुद के मैटर को किसी एक समझदार इंसान को बताएंगे और वो समझदार इंसान जो है जो भी फैसला करेगा उसको ये मानेंगे, तो उस समझदार इंसान को कहते हैं आर्बिट्रेटर। जैसे कोर्ट का जो ऑर्डर आता है उसको कोर्ट ऑर्डर और कोर्ट डिसरी कहा जाता है सिविल लॉ में, वैसे आर्बिट्रेशन के अंदर जो फैसला होता है उसको आर्बिट्रल अवार्ड कहा जाता है, और वो एक तरीके से इस प्राइवेट जज का एक ऑर्डर ही होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश में काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं लोग कि आप कोर्ट कचहरी में जाने से अच्छा है आर्बिट्रेशन करवा के अपने मैटर को सॉल्व करवा दीजिए। आर्बिट्रेशन के फायदे ये होते हैं कि ये फटाफट हो जाता है, जल्दी हो जाता है, आपको सालों साल नहीं लगना है। कोर्ट के जितना फॉर्मल नहीं होता है लेकिन फॉर्मल होता है। आर्बिट्रेशन में भी आप एडवोकेट अपॉइंट कर सकते हो या खुद भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जो ज़्यादा पैसे के मामले जिसमें डिसीजन जल्दी चाहिए, उसके लिए आर्बिट्रेशन बहुत ही बेहतर है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर अपने डिस्प्यूट जल्दी सॉल्व करने जिसमें पैसे का मामला है, तो आर्बिट्रेशन एक बहुत अच्छा तरीका है अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का। लेकिन एक बात इतनी जान ले कि आप क्रिमिनल केसेस वगैरह आर्बिट्रेशन में नहीं ला सकते। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आर्बिट्रेशन के बारे में आपको न्यू जानकारी मिली होगी। इसी तरीके से अगर आप फ्री में और जानकारियाँ लेना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको न्यू जानकारी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।